हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन का मान कैसे ज्ञात करना है उनके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी छात्र इसको ध्यान से देखें। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है प्रतिस्थापन में, कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें फंक्शन का मान हम, जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो एक हमने एक्स के स्थान पर एक दूसरा फंक्शन जी वाई ले लिया और उसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी लिमिट को भी चेंज करके हम करेंगे। तो ये नियम को आप देख ध्यान से देखें, हम उसको क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। हमको अब प्रश्नावली 7.10 इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको सॉल्व करना है, तो हम यहां देखते हैं कि यदि हमने यहां पर माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी मान लिया, तो dt कितना हो जाएगा आपका 2x इंटू dx। तो यह इंटीग्रेशन का जो मान है वो हो जाएगा आपका x dx दिया हुआ है तो 2 बाहर आ जाएगा। तो यहां पर आपका देखेंगे कि x इंटू dx इक्वल टू 1/2 dt, तो 1/2 बाहर आ गया और जो हो जाएगा आपका dt, और इसको क्या माना था t। अब इसको हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगी। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे कि यदि हमने यहां पर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 0 लिमिट है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 रखने पर 0² + 1 = 1। और यदि x की अपर लिमिट लेते हैं 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1² + 1 = 2। तो यहां लिमिट बदल जाएगी, यहां पर लिमिट 0 है तो यहां आ जाएगी लिमिट 1, और जहां 1 है वहां पर लिमिट हो जाएगी 2। तो इसको सॉल्व करिए, 1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग टी, और इसकी अपर और लोअर लिमिट रख देंगे। तो यह मान आ जाएगा 1/2 लॉग 2 माइनस लॉग 1, तो यह आ जाएगा आपका 1/2 लॉग 2/1, और यह वैल्यू हो जाएगी लॉग 2^1/2, या इसको कहते हैं लॉग √2। यह आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको हम थोड़ा सा और देखिए सिंपल करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 √sin(φ), इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos(4π)·cos(φ)dφ। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंपल करते हैं, 0 to π/2 √sin(φ) 1 − sin²φ² √cos(φ)dφ। अब हम यहां पर मान लेते हैं sin(φ) को t मान लिया, तो dt कितना हो जाएगा आपका cos(φ)dφ। तो यहां मान रखिए आप लिमिट √t, और यहां कितना हो जाएगा 1 − t² √dt। अब आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगी, तो यदि फाई की वैल्यू 0 लेके चलते हैं तो sin 0, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 0 = 0, तो यहां पर लिमिट 0 आ जाएगी। अब फाई की वैल्यू यदि π/2 लेके चले तो टी की लिमिट क्या हो जाएगी sin π/2 = 1, तो यहां 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंपल करिए, लिमिट 0 to 1, इसको सॉल्व करेंगे √t1 + t² क्या होगा t^4 − 2t² · dt। तो इसको आप √t के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका
टी की पावर 1 बाई टू प्लस ये हो जाएगा आपका टी की पावर 4 प्लस 1 बाई टू माइनस 2 टी की पावर 2 प्लस 1 बाई टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 डीटी। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0 टू 1 टी की पावर 1 बाई टू प्लस टी की पावर कितना 9 बाई टू माइनस 2 टी की पावर 5 बाई टू डीटी। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है इसका। क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां देखिए टी की पावर 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन 1 बाई टू प्लस 1 माइनस प्लस टी की पावर 5 बाई टू प्लस 1 टी 5 बाई टू प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर ये कितना 9 था तो सॉरी इसको 9 कर दो 9 बाई टू प्लस 1 9 बाई टू और ये जाएगा आपका यहां कितना था 5 तो 5 बाई टू प्लस 1 अपॉन 5 बाई टू प्लस 1 ये आपकी इंटीग्रेशन हो गया और इसकी लिमिट रख देंगे 0 टू 1 तो ये 9 है इसको 9 कर दीजिए ये है टी की पावर 9 अपॉन 2 प्लस 1 9 अपॉन 2 प्लस 1 तो हम इसमें जब लिमिट रखेंगे तो टी का मान 1 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 1 और ये कितना हो गया आपका 3 अपॉन 2 तो इसका मान होगा 2 अपॉन 3 और ये कितना हो जाएगा 1 हो गया टू अपॉन 11 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2 7 तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए सभी को ठीक है ये आंसर हो गया आपका उसको और सिंपल कर लीजिए ठीक है। हमको इसमें यदि हमने x इक्वल टू टेन थीटा लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका मान कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल 2 थीटा तो यह मान पुट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन साइन कितना हो गया इसका मान यहां आ जाएगा 2 थीटा क्लियर। और डीएक्स की वैल्यू कितनी होगी डीएक्स डीएक्स इक्वल टू जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा तो डीएक्स के स्थान पर हम रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ये मान आ जाएगा। अब हमको लिमिट चेंज करना पड़ेगी तो यदि एक्स की वैल्यू 0 तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू तो हम देखते हैं x इक्वल टू 0 रखते हैं तो थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 थीटा इक्वल टू 0 तो यहां पर लिमिट हो जाएगी 0 और यदि x इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई बाई 4 तो यहां पर पाई बाई 4 आ जाएगा क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन आपने बाई मल्टीप्लिकेशन का यूज का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उसको यूज करेंगे तो 2 थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
माइनस टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो टू थीटा यहां कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा, और इसके में लिमिट रख देंगे जीरो टू पाई बाई फोर, माइनस टू जीरो टू पाई बाई फोर, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। क्लियर? हम इसके बाद टेन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें भी लिमिट रख देंगे और इसको आगे हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि ये जो वैल्यू है लिमिट की, टू थीटा इंटू टेन थीटा, इस पूरे पर लिमिट रखेंगे हम कि यह वैल्यू रखेंगे और टेन थीटा को का जो इंटीग्रेशन है उसका मान रख के आप इसकी लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर रख के इसको पूरा सिंपल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसमें हमको यहां पर हमको माना एक्स प्लस टू इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हम यहां देखते हैं कि डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी, क्लियर। और अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आप इंटीग्रेशन करेंगे जीरो टू, लिमिट अभी बाद में चेंज करेंगे, यहां पर एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर लिया है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, और एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर रखा है तो यहां पर टी आ गया, और डी एक्स इक्वल टू कितना है आपका टू टी इंटू डी टी। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अब लिमिट चेंज करना पड़ेगी, तो लिमिट चेंज करने के लिए यदि हमने एक्स इक्वल टू जीरो लिया तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो तो टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू इक्वल टू टू, तो टी की लिमिट हो जाएगी रूट टू। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका रूट टू, और यदि हमने x इक्वल टू टू लेकर चलते हैं तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू प्लस टू इक्वल फोर, तो t इक्वल आ जाएगा टू, तो यहां पर ये टू हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, रूट टू से टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी की पावर फोर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो टी की पावर फाइव अपॉन फाइव टी की पावर थ्री अपॉन थ्री, और लिमिट क्या रख देंगे रूट टू और टू। तो अब आप क्या करेंगे, टू पहले टू रखेंगे वैल्यू, तो टू रखने पर क्या हो जाएगा दो की घात पांच बटे पांच माइनस दो की घात तीन बटे तीन, फिर उसका माइनस रूट टू रखेंगे तो रूट टू की घात पांच बटे पांच माइनस रूट टू की घात तीन बटे तीन। क्लियर, ये आपके मान हो गए। तो इसको चाहे तो सिंपल करिए, चाहे तो इतना ही करके छोड़ दीजिए, आपका कंप्लीट आंसर है। ओके, थैंक यू।